टू माई चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ ये महाराष्ट्र मेकअप लुक, और इसे मैंने क्रिएट किया है लेडीज़ के लिए जो कि अभी आने वाला है गणेश चतुर्थी 2 तारीख को। सो इसलिए मैंने इसे क्रिएट किया, और इसमें मैंने हैंडमेड ये जुड़ा रिंग लगाया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये मैंने अपने चैनल पर सिखाया है, आप वहाँ से भी बना सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा, मार्केट से खरीदने से बेटर है। और अगर आप वेणी लगाना चाह रहे हो तो वेणी भी लगा सकते हो। और छोटा सा जुड़ा नॉर्मली बेसिक सा बनाया है, अगर आप वो देखना चाह रहे हो मैंने कैसे बनाया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये लुक तो आपको इस आगे वीडियो में देखने मिलेगा। और अगर आपको ये लुक पसंद आता है गाइस, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही एक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो में कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है ये गुड वाइब्स का रोज हिप फेस सिरम, जिससे मेरा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, प्लस मेरा फेस जो है हेल्दी रहेगा मेकअप करने के बाद भी। तो इसे मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ, देन अपने हाथों से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी और थोड़ी देर अपने फेस पे रहने दूँगी जिससे कि ये ऑब्जर्व हो जाए मेरे फेस में। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का प्राइमर, और ये काफ़ी अल्ट्रा अफोर्डेबल 250 रुपीज़ का प्राइमर है। इसे मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है और हाथों से ही ब्लेंड कर लूँगी। और इसे अप्लाई करने के बाद 5 to 10 seconds के लिए मैं इसे अपने फेस पर रहने दूँगी ताकि। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, शेड है 310, और इसे मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से मैं नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी, पूरे फेस पे और नेक पे आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद एक फ्लैट ब्रश से, फेस ब्रश से आपको इस फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। मैंने भी इसी तरीके से किया है। सो ये एक ब्रश है, इसी से मैं अपने पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मीना जनरेशन 2 का कंसीलर, और ये लिक्विड कंसीलर है, शेड थोड़ा इसमें डार्क है मेरे पास। सो नेक्स्ट वीडियो में मे बी आपको लाइट शेड देखने को मिल जाएगा। और इसे मैंने अपने अंडर आइज़ वगैरह में, लिप्स के पास, चेक्स पे और अपनी क्रीज लाइन वगैरह सभी पर अप्लाई कर लिया है। और इसे भी मैं अपने काबुकी ब्रश से ही ब्लेंड कर लूँगी जिससे मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया था। तो इसे मैं अपनी आईब्रो के अंडर में भी लगा रही हूँ, सभी जगह मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। और इसमें मैं ले रही हूँ NYBA की कंटूर स्टिक, सो इसमें मैं अपने चिक्स पर, चिक बोन पर और नोज़ सभी जगह अप्लाई कर लूँगी कंटूरिंग के लिए, ब्रॉन्जिंग के लिए। तो इसमें पाउडर ब्रॉन्जिंग नहीं करूँगी मैं, केवल क्रीम कंटूरिंग करूँगी। तो इस पे मैंने अपने फोरहेड पे भी इसे अप्लाई कर लिया है। और नेक्स्ट मैं इसे दोनों को एक साथ, कंसीलर और ब्रॉन्जिंग को दोनों को एक साथ ही ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का सन प्रोटेक्शन कॉम्पैक्ट, जो कि सन से भी प्रोटेक्ट करेगा और ये काफ़ी अच्छा कवरेज देगा मुझे। सो इसे मैं ब्रश से अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ डार्लिंग की ड्राॅइंग पेंसिल, और ये है आईब्रो पेंसिल, और अली एक्सप्रेस से मैंने इसे मंगाया था। सो इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर लूँगी। इसमें आपको एक स्पूली भी मिलता है, अगर आप इस तरह की स्पूली वाली आईब्रो पेंसिल लेते हैं तो आपको अलग से कोई स्पूली नहीं लेना पड़ेगा। तो इसमें ब्राउन शेड लिया है मैंने, और ये 70 या 80 रुपीज़ की आपको ईजिली अली एक्सप्रेस पर मिल जाएगी, या किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी। तो बहुत ही लाइट मैं अप्लाई करूँगी। आईब्रोज़ मैंने फिल इन कर ली है, ऑलमोस्ट फिल इन हो चुकी है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक स्पूली, जिससे मैं अपनी आईब्रोज़ को कॉम कर लूँगी। उस पेन में भी आती है आईब्रो पेंसिल के संग स्पूली, बट मैंने उसकी यूज़ नहीं की है, इसकी अलग से यूज़ कर ली है। और अब मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ पाउडर। सो इस पाउडर को, कॉम्पैक्ट को मैं लगाऊँगी अपनी क्रीज पे, ताकि अगर मेरा कोई भी शेड ऑयली रहता है, ऑयली कंसीलर था मेरा, तो वो ख़राब ना हो मेरा आई मेकअप। इसलिए मैं पहले अपनी फिंगर की हेल्प से कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर रही हूँ, तो इसकी ऑयलनेस ख़त्म हो जाएगी कंसीलर की। सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ SFR का आई शेडो पैलेट 12 shades है इसमें। तो फर्स्ट मैं लूँगी एक डार्क शेड, जो कि मेरी ड्रेस, मेरी साड़ी से मैचिंग का है, ब्राउन। और इसे मैं अपनी हाफ क्रीज के नीचे की साइड पर अप्लाई करूँगी, अपनी आईज के कॉर्नर साइड पर,
इस तरीके से, और क्रीज पर मैं एक अलग शेड अप्लाई करूँगी जो कि मेरी स्किन टोन की सिमिलर होगा। लेकिन उससे पहले एक मैंने ये पॉइंटेड ब्रश लिया है अपनी क्रीज पर ये डार्क शेड को अप्लाई करने के लिए। सो मैं अपनी हाफ क्रीज में ही इसे अप्लाई करूँगी। हाफ क्रीज में मैं अप्लाई करूँगी शिमरी गोल्डन शेड जो कि मेरी साड़ी की सेम शेड में है, सिमिलर है उससे। सो ये फर्स्ट शेड ले रही हूँ मैं अपनी क्रीज लाइन के लिए। और इसे मैंने अपनी क्रीज पर ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से मैं दोनों आईज पे कर लूँगी। आप इधर देख सकते हो पहले मैं अपनी क्रीज पर कर रही हूँ। क्रीज जो आप अपनी आईज ओपन और क्लोज करते हो तो लाइन जो आती है उसे क्रीज लाइन बोलते हैं, तो उस पर मैंने इसे अप्लाई किया है। और नेक्स्ट हाफ आईलेट पे सेम पॉइंटेड ब्रश से मैं अपना डार्क शेड जो है ब्राउन डार्क शेड उससे ब्लेंड कर लूँगी, इसे अप्लाई कर लूँगी। अब इसे अप्लाई करने के बाद एक छोटा ब्रश लूँगी मैं, बिल्कुल पॉइंटेड ब्रश, उससे मैं अपना गोल्डन कलर जो है शिमरी गोल्डन कलर उससे अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। कुछ इस तरीके का पॉइंटेड पेंसिल ब्रश है, इससे मैं अपना गोल्डन कलर, ये वाला जो गोल्डन कलर है उससे अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी अपनी हाफ हाईलाइट पे। हाफ पे मैंने डार्क शेड लिया है, हाफ पे मैं लाइट शेड ले रही हूँ। और ये कुछ इस तरीके से शैम्पेन कलर है। ऐसे अप्लाई करने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने पेंसिल ब्रश से, आई मेकअप ब्रश जो होता है उससे। नेक्स्ट मैंने लिया है एक सिंपल ब्रश और उससे लिया है गोल्डन शेड, और अपनी पूरी क्रीज पर मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ जिससे मेरा जो पहले का कलर है वो भी ब्लेंड हो जाए और दोनों कलर मिक्स हो जाए, अलग अलग ना लगे। तो इस तरीके से मैं शेड ले करके अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कलर एलेटीन कलर पॉप का काजल, ये 90 रुपीज़ का इजीली आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन में। सो इसी तरीके से मैं अपनी दोनों आईलेट में अप्लाई कर लूँगी इसे, और काफ़ी अच्छा है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो इसे भी हम ब्लेंड करेंगे एक स्पंज काइंड अप्लीकेटर से। काजल अप्लाई करने के बाद मैं ले रही हूँ ये कलर एसेंस का लिक्विड आई। नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन का लास्ट लक्सेशनल मस्करा, और ये वाटर प्रूफ मस्करा नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देगा आईलेशेस को। और आपको इसमें आईलेशेस लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, मैंने इसमें आईलेशेस अप्लाई नहीं की है। तो ये वॉल्यूम के संग कर्ल भी करता है आपके आईलेशेस को। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक स्पंज का एक अप्लीकेटर जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इससे मैं अपने वाटर लाइन पर जो मैंने काजल लगाया है एलेटीन कलर पॉप का, सो उसे मैं स्मर्ज कर लूँगी जिससे कि काजल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्मज प्रूफ रहेगा, ज़्यादा देर अपनी आंखों पे रहेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 का ब्लश, और इस तरीके ब्रश से मैं अपने फेस पे इसे बहुत ही लाइट हैंड से अप्लाई कर लूँगी, ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं करूँगी मैं इसे। दोनों चिक्स पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मालियो का हाइलाइटर, और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने चिक्स पे, अपर लिप पर, नोज़ पर। सो इसे मैंने दो शेड्स को मिक्स करके इसे अप्लाई किया है अपने फेस पे, और बहुत ही लाइट हैंड से किया है ये अपर लिप्स पे, नेक्स्ट नोज़ पे। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये, और चिक्स में मैं दोबारा से कर रही हूँ, चिन पे भी कर रही हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा जूम कर रही हूँ और मैं अपनी इनर कॉर्नर, आई इनर कॉर्नर को अप्लाई करूँगी हाइलाइटर अप्लाई। सो उसके लिए मैंने एक बहुत ही बारीक सा ब्रश लिया है, और उसके लिए मैं लूँगी गोल्डन शेड, इसमें ये वाला गोल्डन जो शेड है वो लिया है मैंने, और इससे मैं अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। थोड़ा सा वाटर लाइन पे भी आएगा और अपर लाइन पे भी आएगा, आई की अपर लाइन पे जहाँ मैंने लाइनर अप्लाई किया है
थोड़ा थोड़ा मैं वहाँ पर भी इसे अप्लाई करूँगी इस तरीके से। नेक्स्ट मैंने ली है एडियस की लिप ग्लॉस लिपस्टिक और ये काफ़ी अच्छी मैट लिक्विड लिपस्टिक है। सो इस पर लिखा हुआ है लिप ग्लॉस, बट ये काफ़ी अच्छा लिप कलर है और ये बर्गंडी शेड है जो कि मेरा फेवरेट है रिसेंटली बर्गंडी शेड। सो इसे मैं अप्लाई करूँ और ये बिल्कुल भी मैट नहीं होती है, पैची नहीं होती है, बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं करती है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत हेवी लिपस्टिक लगाई हुई है। सो बहुत ही अच्छा कलर है। इसका शेड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो लिपस्टिक का शेड, सो देख सकते हो। और ऑलमोस्ट ये मेकअप डन हो चुका है, इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह और टीकी वगैरह मैं लगाने के बाद आपको इस वीडियो में एंड में मिलती हूँ। दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस, फाइनल लुक। और आप देख सकते हो मैंने सिंपल सी ज्वेलरी पहनी है, सेम वही नहीं है जो साउथ महाराष्ट्र लोग पहनते हैं, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज्वेलरी सिमिलर रहे। और आप चाहें तो इसमें यहाँ पर ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन सकते हैं, हमारे यहाँ कंवारी लड़कियाँ ग्रीन कलर की चूड़ी नहीं पहनती है कांच की, इस वजह से मैंने नहीं पहनी है। और बाकी पूरा लुक सेम है, तो आप इसे गणेश चतुर्थी वाले दिन या गणेश वंदना वाले दिन, जो भी गणेश जी बैठते हैं या जिस दिन ठंडे होते हैं, उस दिन आप इस लुक को कैरी कर सकते हो। और इसी के साथ मैं एक गर्ल मेकअप लुक भी डालूँगी जो कि महाराष्ट्रन मराठी मेकअप लुक होगा, तो वो गर्ल्स के लिए रहेगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप उस वीडियो से नोटिफाइड हो पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही में एक बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।